हेलो फ्रेंड्स, किचन मिल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने झलमुरी की रेसिपी। झलमुरी भेलपुरी दोनों डिफरेंट होती हैं, दोनों अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं। झलमुरी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश का पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। झलमुरी एक स्पाइसी स्नैक्स है, क्योंकि झल का मतलब ही होता है स्पाइसी, मुरी का मतलब है पफ्ड राइस, मुरमुरा, इसलिए इसको स्पाइसी स्नैक्स बोलते हैं। तो फ्रेंड, जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमें झलमुरी बनानी है। 3/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 3/4 कप ही बारीक कटा हुआ टमाटर, इसका जो पानी होता है उसको अलग कर देना, 1/4 कप कुकुम्बर खीरा, इसको भी बारीक काटा हुआ है, ये बॉइल्ड पोटैटो है। इसमें आलू को ज़्यादा नहीं उबालना है, कच्चा भी नहीं रखना है। इसके पीस इस तरह से अलग अलग दिखने चाहिए। जब आलू एकदम ठंडे हो जाएं उसके बाद पीस काटें, जिससे मैशी नहीं हो। 1/2 कप बॉइल पोटैटो है, ग्रीन चिली आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ये मैंने 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली ली है। 3 से 4 चम्मच कोरिएंडर लीव्स बारीक कटी हुई, टेस्ट के अकॉर्डिंग लेमन जूस। अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, ये है सरसों का तेल। आप या तो सरसों का तेल कच्चा डाल सकते हैं, ये मैंने अचार से निकाला हुआ तेल है, तो कई बार कच्चा तेल खाया नहीं जाता है, अचार तो सभी लोग खाते हैं, तो आप अचार का तेल यूज कर सकते हैं इसमें। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, से रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है, टेस्टी भी बहुत लगती है। और भेलपुरी का वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, इंस्टेंट भेलपुरी का शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मिक्स करने के बाद आप इसमें मसाला टेस्ट कर सकते हैं। मुरमुरे डालने के बाद हम मसाला डालते हैं तो मुरमुरे सॉफ्ट हो जाते हैं, उसको तुरंत सर्व करना पड़ता है। आप इसमें मसाला अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अभी अब हम इसमें ऐड करेंगे मुरमुरे। मुरमुरे आपके क्रिस्प होने चाहिए, यदि आपके नहीं है तो आप थोड़ा सा इनको रोस्ट कर सकते हैं। वन फोर्थ कप रोस्टेड पीनट लेंगे, इनको मैंने हल्का सा गैस पर ही रोस्ट किया था, इसको छिलका समेत लेना है, ये मोटे सेब ले रही हूँ। आप इसमें नमकीन कोई से भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएंगे बारीक सेब, 1/4 कप लिया है, इसमें हम कच्चे गोला डालकर सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी झलमुरी की रेसिपी तैयार है, आप भी एंजॉय कीजिए। बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।